गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स क्लास टेंथ की फिजिक्स के अंदर चैप्टर चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे थे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। वो क्वेश्चन सभी आपके सामने मैं लेके आऊँगा, ऐसा मैंने आपको बोला था। तो एक क्वेश्चन हमने कल लिया था दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आज आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है आज का, देखिए। If the length of a conducting wire is increased by 5%, देखो क्या कह रहे हैं कि कोई वायर है वो कितना उसको इंक्रीज कर दिया, कितना बढ़ा दिया, 5% इंक्रीज कर दिया। What will be the percentage change in its resistance? तो उसकी परसेंटेज यानी कि रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज आएगा, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों, वी नो दैट, देखो क्या जानते हो आप, हमें रेजिस्टेंस पूछा है ना, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, होता है ना, जिसमें R क्या है रेजिस्टेंस है, रो क्या है रेजिस्टिविटी, L क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, एंड A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, लेंथ इज इंक्रीज्ड 5%, यानी कि लेंथ क्या है 5% बढ़ा दी। तो बेटा न्यू लेंथ क्या होगी, ये ध्यान रखना है अपने को, न्यू लेंथ 5% बढ़ाने के बाद जो नई लेंथ होगी वो क्या होगी। देखो उसको मैं L डैश लिख सकता हूँ, L डैश लिख रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, पहले वाली लेंथ L थी उसमें मैंने 5%, 5% का मतलब 5/100 किसका, पुराने वाली लेंथ का इन प्लस कर दिया। देखो अगर ये आपको ये बात समझ में आएगी ना तो ही हम क्वेश्चन आगे बढ़ने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, हमारे 5% लेंथ बढ़ाने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, तो लेंथ को मैंने लिख लिया एल डैश जो न्यू लेंथ है, ये पुरानी लेंथ है ओल्ड लेंथ एल ये वाली, और इसमें 5% जो है वो मैंने इंक्रीज करने के लिए बोल दिया तो मैंने प्लस कर दिया। यहाँ अगर ये डिक्रीज करने के लिए बोल देता तो मैं क्या करता, मैं करता माइनस यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों 5 जो है वो 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 5 25 × 100, तो बेटा ये बन जाएगा आपका L प्लस L अपॉन 20, L प्लस ये वाला L प्लस L अपॉन 20। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये बनेगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, 21L अपॉन 20। ये अपनी क्या बन गई दोस्तों, L डैश बन गई, क्या बन गई L डैश। देखो अब अपने लेंथ चेंज कर दी ना, तो हमें क्या बताना है कि रेजिस्टेंस कितनी चेंज होगी, तो न्यू रेजिस्टेंस, जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितनी है दोस्तों, R इज इक्वल टू R डैश हो जाएगा ना वो न्यू रेजिस्टेंस के लिए, रो L की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, L डैश अपॉन में A, जो जो चेंज किया उसकी जगह डैश लगा दिया मैंने, रेजिस्टेंस चेंज हुई इसके लिए डैश लग गया, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई तो रो सेम रहेगा, L की जगह L डैश आ गया और A हमने चेंज नहीं किया तो A तो सेम रहेगा। तो इससे दोस्तों हुआ क्या, R डैश की जो न्यू वैल्यू है वो रो सेम रहेगा आपका, L डैश, L डैश की वैल्यू ये रही, L डैश की वैल्यू 21L अपॉन 20, 21L अपॉन 20 अपॉन में A, अपॉन में क्या आ गया, A आ गया। तो दोस्तों ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास आया R डैश, ये क्या आया R डैश। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, न्यू रेजिस्टेंस नहीं पूछी है हमसे क्वेश्चन में बेटा, ये पूछा है व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस में चेंज कितना हुआ। तो यहां मैं लिख रहा हूं चेंज इन रेजिस्टेंस। तो बेटा किसी भी चीज का चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो न्यू थिंग आई है जो चेंज करने के बाद आया, और जो हमारा पहले था इक्वेशन नंबर वन में, ये क्वेश्चन नंबर टू है जो न्यू रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन नंबर वन है जो ओल्ड रेजिस्टेंस थी, इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। और चेंज को शो करने के लिए हम डेल्टा लिखते हैं दोस्तों, डेल्टा आर, ठीक है ना, डेल्टा आर का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस में चेंज कितना आया, तो आर डैश में से आर माइनस कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि नई रेजिस्टेंस में से पुरानी रेजिस्टेंस क्या कर दूंगा मैं, माइनस। तो नई रेजिस्टेंस ये रही मेरे पास रो 21/20 एल अपॉन ए माइनस ओल्ड आर जो आपके सामने ही है रो एल अपॉन ए, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं रो एल अपॉन ए। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डेल आर की जो वैल्यू है इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपके सामने, देखो रो कॉमन आ रहा है, एल कॉमन आ रहा है और ए कॉमन आ रहा है, तो रो एल अपॉन ए मैंने कॉमन ले लिया,
यहाँ से बचा क्या दोस्तों, 21 अपॉन 20 बचा, माइनस यहाँ से कुछ नहीं बचा तो यहाँ बच गया 1। जब कुछ नहीं बचता हमारे पास तो हमारे पास एक चीज़ बचती है जो है 1, और सबका मालिक एक, ये मैंने आपको बताया हुआ है। जब कुछ नहीं बचता तो सिर्फ एक बचता है हमारा मालिक, तो उस चीज़ को आप याद रखें। रो एल अपॉन ए, इसके नीचे एलसीएम लगाएंगे, यहाँ बचेगा 20 और यहाँ ये बन जाएगा आपका 21 माइनस 20। सो स्टूडेंट्स, डेल आर की जो वैल्यू आएगी आपके सामने वो ये आएगी, रो एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 20। ये नई रेजिस्टेंस आई है दोस्तों, सॉरी रेजिस्टेंस में चेंज आया कि रेजिस्टेंस थी कितनी, ये जो है ये क्या आया, नई रेजिस्टेंस आई। अब हमसे पूछा है कि हाउ मच परसेंटेज चेंज्ड, ये हमने क्या निकाला, अभी सिंपल चेंज निकाला है, अब हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, डेल आर ऊपर अपॉन में ओल्ड आर नीचे इनटू में 100। ये आप 7th-8th क्लास में जो प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला लगाते थे ना, वही लगाया मैंने दोस्तों। प्रॉफिट यानी कि जो चेंज हुआ वो ऊपर, नीचे कॉस्ट प्राइस यानी कि स्टार्टिंग वाला प्राइस जो होता था वो नीचे इनटू 100, वही सेम चीज़ है ये। आप प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज लगाते थे वही सेम है। डेल आर की ये रही वैल्यू, कितनी वैल्यू है, रो एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 20 अपॉन सिंपल आर, यानी कि सबसे पहले रेजिस्टेंस कितनी थी जब हमने कुछ चेंज नहीं किया था, तो रो एल अपॉन ए ये था ना, तो ये आपका रो एल अपॉन ए इंटू 100। समझ रहे हो बात। अब देखो कुछ कट रहा है, बहुत सारी चीज़ें कट रही है, रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 1 अपॉन 20 इंटू 100, ये बचा ना, तो ये क्या बन गया 5, तो ये आपका बन गया 5%। क्या बन गया आपका 5%, यानी कि 5% क्या हुआ है, जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हुई है, रेजिस्टेंस जो है वो क्या हुई है 5% इंक्रीज हुई है। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर था दोस्तों। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले, क्या है सेकंड क्वेश्चन, इन द सर्किट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। देखो सर्किट के अंदर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच में अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। और आई अपने को कितना दिया हुआ है, 3 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे जो आई है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ देख सकते हो आप, ए पॉइंट पे आई जो है करंट की जो वैल्यू है 3 एम्पियर, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि दोस्तों 3 एम्पियर जो है वो इक्वल डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि जो आपको पांचों रजिस्टर दे रखे हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हमें दिख रहा है कि जब यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट्स में, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट, इस लाइन का खुद का और इस लाइन के नीचे वाला पार्ट, पूरा का पूरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यानी कि ये दोनों, ये और ये दोनों, तीनों चीज़ें जो बनेंगी वो पैरेलल बनेंगी। लगभग आपको आइडिया दे दूँ, ये अगर ए पॉइंट है तो यहाँ देखो ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा ये, समझ रहे हो बात। तो ये ऊपर 2 हैं, अकेला एक रजिस्टर नहीं है, बीच में 1 है और नीचे भी 2 हैं, अकेला रजिस्टर नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 अपर पार्ट या अपर ट्रायंगल भी कह सकते हो, अपर पार्ट या अपर ट्रायंगल इन सर्किट। तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल R1 प्लस R2। देखो ऊपर 2 ही रजिस्टर हैं सीरीज में, ये खत्म हो रहा है उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। यह करंट ये आया और वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट यहाँ बी तक पहुँचेगा, मतलब इसके बाद 3 ओम वाले में जो करंट जा रहा है ना वो डिवाइड नहीं हो रहा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 प्लस 3, आर वन की वैल्यू 2 है और आर थ्री की वैल्यू क्या है, आर टू की वैल्यू कितनी है 3। तो जो आर की वैल्यू है दोस्तों वो क्या बनेगी, 5 ओम बनेगी। यानी कि अगर मैं आपको नया सर्किट साथ साथ बना के दिखाऊँ, तो ये पॉइंट ए है, ढंग से बनाता हूँ दोस्तों मैं सर्किट,
ये बन गया दोस्तों, इन दोनों को मैंने कंबाइंड कर दिया। इन दोनों को कंबाइंड करने के बाद ये मेरे पास क्या बन गया, 5 ओम बन गया। अब देखो बीच वाला आप साफ देख ही रहे हैं कि ये ऑलरेडी क्या था, 5 ओम था ही पहले से। इसी तरीके से सिमिलरली ये नीचे वाले दोनों सीरीज में हैं, तो यहां लिखेंगे सिमिलरली फॉर लोअर पार्ट, सेम सिस्टम लगेगा। R इज इक्वल टू आर थ्री प्लस आर फोर कर सकते हैं, ये R3 ओम है और R4 कितना है, 2 ओम है। तो यहाँ से R की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी 3 प्लस 2, कितनी बन जाएगी R की वैल्यू, अगेन 5 ओम। यानी कि ये नीचे वाला जो रजिस्टर बना ये भी क्या बन गया, 5 ओम बन गया। देखो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो आप जैसे जैसे मेन गिवन सर्किट को सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे आप एक नया सर्किट अपने दिमाग में बनाते रहोगे, जैसे मैंने ये बनाया आपके सामने, तब तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ करंट ये वाला कितना है, 3 एम्पियर, तो इसको 3 एम्पियर लिख दो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये मेरे पास आर आ गई, ऊपर वाली भी 5, नीचे वाली भी 5। अब आप इस सर्किट में देख सकते हो कि ये तीनों जो हैं रजिस्टर्स पैरेलल में हैं। यहाँ लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड फिगर कौन सी, जो मैंने बनाई है। फर्स्ट फिगर तो डायग्राम में दी गई, क्वेश्चन में दी जाती है, ठीक है। सेकेंड फिगर मैंने बनाई है, तो ये पैरेलल के लिए लगेगा, तो यहाँ लगेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना, यही लगेगा। यहाँ से 1/R की वैल्यू आएगी बेटा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, यही बनेगा। इसका एलसीएम लेते जाओ, 1/R की जो वैल्यू बनेगी, एलसीएम आ गया 5, और यहाँ क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 3/5 ओम। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, 1/R की, ये आई है 1/R की, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, R की वैल्यू आएगी 5/3 ओम। ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है, हमें फाइंड करना है V, और करंट दे रखा है 3 एम्पियर। आप देख सकते हैं डायग्राम में, सबसे पहले जो डायग्राम दिया था हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था, यानी कि V फाइंड करना था, ठीक है, और हमें I दे रखा है 3 एम्पियर, और इन सब की हमें फाइनल रेजिस्टेंस निकालनी थी, जो हम निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, R आ गया हमारे पास, I आ गया, V चाहिए, तो हम डायरेक्टली आप इजीली समझते हो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बाय ओम्स लॉ, कौन सा लगेगा, ओम्स लॉ। तो यहाँ लगेगा V इज इक्वल IR, V की वैल्यू कितनी हमें फाइंड करनी है, I की वैल्यू है 3 और R की वैल्यू है 5/3, ठीक है ना। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, V की वैल्यू आएगी 5V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 5 वोल्ट। ये आपका है फाइनल आंसर दोस्तों। जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन हर वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।